हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीमेल या गूगल में आपने जो कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं उन कॉन्टैक्ट को सिम कार्ड में या फिर फ़ोन की मेमोरी में कैसे कॉपी किया जाए या फिर उन्हें कैसे सेंड किया जाए। बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमें जाना होगा कॉन्टैक्ट में। हम चले जाते हैं कॉन्टैक्ट में। ये रहे मेरे कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ऊपर सेटिंग का एक आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉपी कॉन्टैक्ट। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जियो की जो सिम है उसके अंदर दो कॉन्टैक्ट हैं। एयरटेल की जो सिम है उसमें 200 आ सकते हैं पर 20 हैं। मेरा एक अकाउंट है अल्टरनेट गूगल वाला, उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। गर्ग SKG, यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 13 कॉन्टैक्ट हैं। उसके बाद नीचे एक दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर 1263 हैं। और सबसे नीचे वाला अकाउंट जो है उसके अंदर 2499 मेरे कॉन्टैक्ट हैं। तो अभी हम बात करते हैं, ये जो गर्ग SKG वाला मेरा अकाउंट है इसके अंदर टोटल पड़े हुए हैं 13 कॉन्टैक्ट। अब इसे फ़ोन और सिम कार्ड दोनों में कैसे कॉपी करना है, चलिए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको वो अकाउंट चूज़ करना है जहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं। तो चलिए, मैं गर्ग SKG वाला ये वाला अकाउंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से जो कॉन्टैक्ट आप कॉपी करना चाहते हैं सिम में या फ़ोन में उसे सिलेक्ट करें। ये तीन मैंने कर लिया, आप चाहे तो ऊपर सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। 13 कॉन्टैक्ट है, चलिए मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी कहाँ पर करना है, मेरी जियो की सिम में करना है या फिर एयरटेल की सिम में करना है। तो चलिए, यहाँ पर हम जियो की सिम में इसे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कॉपिंग फ्रॉम गर्ग SKG जीमेल टू जियो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जियो में अभी 2 कॉन्टैक्ट थे और अब यहाँ पर 15 हो गए हैं। इसी तरह से जहाँ पर मैंने जियो सिलेक्ट किया, जियो की जगह अगर मैं एयरटेल सिलेक्ट करता तो वो एयरटेल की सिम में कॉपी हो जाते हैं, और अगर एयरटेल की जगह मैं फ़ोन सिलेक्ट करता तो वो मेरी फ़ोन की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो देखा कितना आसान है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।